हेलो फ्रेंड्स, माय फर्स्ट व्लॉग दीपा पांडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं वेज मंचूरियन रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने गोभी, शिमला मिर्च, गाजर काट लिए हैं। तो हम एक भगोना लेंगे, इसमें हम ये गोभी डाल लेंगे पूरी की पूरी। तो गोभी की मात्रा हमारी ज़्यादा है और ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च हम आधा डालेंगे, आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये गाजर इसमें हम पूरा डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही इसमें आधा चम्मच नमक का डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पानी ज़्यादा छोड़ देगा, नहीं तो। आधा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है। और ये काली मिर्च है, काली मिर्च ये भी मैंने आधा चम्मच डाला है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और जीरा पाउडर डाल देंगे, ये भी आधा चम्मच। और ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर हम डाल देंगे 5 चम्मच। और मैदा ये भी 5 चम्मच। तो फ्रेंड्स, इन सबको हम आपस में मिला लेंगे। तो हमें पानी नहीं डालना है, नमक डाला था उससे सब्जियां थोड़ा सा पानी छोड़ देंगी। और ये खुद ही इसे इसको ऐसे इतना मिलाना है कि मतलब गोला सा बनने लग जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मिल गया है, मतलब ये गोला बनने के लायक हो गया है। तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा इतना डालिए कि ये गोला, आपकी सब्जी की क्वांटिटी अलग हिसाब से होगी, तो इस हिसाब से डालिए कि ये गोला बन जाए। तो सब्जियां, और आप इसके अलावा इसमें हरी प्याज डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। मेरे पास जो सब्जियां अवेलेबल थी मैंने बनाई, तो मैं इसके गोले बना के रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, गोला बनाने से पहले मैंने हाथ में हल्का सा सरसों का तेल लगा लिया है जिससे चिपकेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, 26 बॉल मेरी तैयार हो गई हैं। अब इन बॉलों को मैं, ये मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल रख दिया है, ये देखिए। मैं सरसों के तेल में इनको, रिफाइंड तेल में नहीं तल रही हूँ, मैं सरसों के तेल में ही ज़्यादातर खाना बनाती हूँ। तो इसके, जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास, ये रेड चिली चटनी है। आप इसकी जगह सेजवान की चटनी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घर में चटनी बनाई है रेड चिली की। 1 चम्मच ये चटनी है रेड चिली की। तो इसमें डाल देंगे सोया सॉस 1 चम्मच भर के डालेंगे, और ग्रीन चिली सॉस इसको डाल देंगे फ्रेंड्स 2 चम्मच, और आधा चम्मच डाल देंगे इसमें हम टमाटो केचप। तो ये ग्रेवी बनाने के लिए जो सॉस है ये हमारा रेडी हो चुका है। अब पहले हम इनको तल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉल बनके तैयार है, इनको मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब इसी कढ़ाई में देखिए, इसी तेल में, दोबारा से तेल नहीं डालेंगे, तेल थोड़ा कम करके, इसी तेल में ये अदरक है, बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चा। तो ये इन सबको मैंने बारीक काट लिया है, इनको इकट्ठा डाल देंगे इसी तेल में। ये देखिए, तेल हमारा तेज गर्म था, तो इसी में हम फ्रेंड्स ये प्याज भी डाल देंगे। तो अदरक लहसुन ये प्याज के साथ भी भूनता रहेगा, बस इसको ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। तो आधा मिनट इसको हम प्याज को भूनने के बाद, ये शिमला मिर्च जो हमने बचा के रखी थी, और शिमला मिर्च हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम 5 मिनट तक ऐसे ही भूनते रहेंगे, और इसमें हम अपने स्वाद अनुसार जितना भी हमें नमक डालना है नमक डाल के इसको भूनेंगे। नमक मैं इसमें आधा चम्मच हमने पहले डाला था, आधा चम्मच नमक इतना अभी और डाल देंगे। तो देखिए, नमक डाल दे रही हूँ, अब मैं इसको 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करूँगी जैसे प्याज और शिमला मिर्च थोड़ा सा पक जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, 4 से 5 मिनट हो गए, तो प्याज और शिमला मिर्च का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा कलर चेंज होने पर। तो अभी हम इसमें ये जो हमने सॉस इसका तैयार किया था, ये सॉस हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें आधा लीटर पानी डाल देंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इसमें आधा लीटर पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसी के साथ ही इस ग्रेवी को थोड़ा करने के लिए 1 कटोरी में हमने पानी लिया है, आधा कटोरा, और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे 2 चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह से चला लेंगे जिससे इसमें गांठें ना बने। ये देखिए, और एक कॉर्नफ्लोर घुला हुआ कॉर्नफ्लोर, इसको भी हम इसी में डाल के इसको पका लेंगे। इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक हमें इसको पकाना है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है सिरका, सिरका से थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट अभी उबलते हो गए, और इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच करीबन हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च के ऊपर से,
और जितनी ये बॉल बनी है सारी की सारी बॉलें हम इसमें डाल देंगे। तो ये थोड़ा बॉल डालने के बाद अब इसको हम 2 से 3 मिनट फिर दोबारा से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हमने अभी पका लिया था, 2 से 3 मिनट इसको हम और पकाएंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स गैस मैंने बंद कर दी, वेज मंचूरियन मेरा बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।